हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डाइटिशियन एकता जैन एंड आई एम योर टू टीच यू द आर्ट ऑफ ईटिंग. सो प्रोटीन्स द मोस्ट ओवररेटेड टॉपिक, द मोस्ट मनी मेकिंग बिजनेस इन द इंडस्ट्री. प्रोटीन्स को लेके काफ़ी सारे मिथ्स हैं. अगर प्रोटीन्स से रिलेटेड जितनी बातें आप लोग ने सुन के फॉलो की है वो अगर सच होती तो अब तक आप सबके सिक्स पैक्स निकल जाने चाहिए थे, सारे लोग लीन और मस्कुलर हो जाने चाहिए थे, राइट? बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता. फ्रेंड्स, प्रोटीन्स से रिलेटेड काफ़ी सारे मिथ्स हैं. इतने सारे, इतना ह्यूज टॉपिक है कि उसको कुछ मिनटों में जस्टिफाई करना इम्पॉसिबल है. इसलिए मैंने प्रोटीन्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है. ट्रस्ट मी, फिर भी मैं आप लोगों को सिर्फ एक ब्रीफ दे पाऊंगी. प्रोटीन्स को लेके काफ़ी सारे मिथ्स और काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं और उससे रिलेटेड काफ़ी सारी बातें हैं. सो आइए देखते हैं सबसे पहले कि हमें प्रोटीन्स क्यों चाहिए और क्यों ज़्यादा अमाउंट में लेने को कहा जाता है. सो लेट्स सी, व्हाई डू वी नीड मोर प्रोटीन्स. प्रोटीन्स हमारे नेल्स, हमारे हेयर्स, हमारी स्किन, लीवर, किडनी, मसल गेन, फैट लॉस, वेट लॉस, हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स बनाने के लिए, रिकवरी के लिए, सब चीज़ के लिए प्रोटीन्स चाहिए. प्रोटीन इज़ रिक्वायर्ड फॉर एवरीथिंग. दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी. सो ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी नीड्स प्रोटीन्स. बट हाउ मच? नाउ लेट्स सी हाउ मच प्रोटीन्स डू वी नीड. अ नॉर्मल पर्सन लिविंग अ नॉर्मल लाइफ हैज़ अ नॉर्मल प्रोटीन रिक्वायरमेंट. Don't allow the social media to create hypes in your mind that more proteins means more muscles. हम सब कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जो perfect workout करते हैं, perfect diet करते हैं, फिर भी उन लोगों को desired results नहीं मिल पाते हैं. Why? Because they are focusing only and only on proteins. उनका diet balance नहीं होता. उनके diet में carbs missing होते हैं, fats missing होते हैं, vitamins, minerals सब missing होता है. Because they are only after proteins. So proteins को अगर ज़्यादा मात्रा में लिया जाए तो उसकी अपनी अलग प्रॉब्लम्स होती है. वीक डाइजेशन, शुगर क्रेविंग्स, कार्ब क्रेविंग्स, लो एनर्जी, आपकी बॉडी का फैट स्टोरिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाता है. सो लेट्स सी कि व्हाट डज एक्सेस प्रोटीन डज. एक्सेस प्रोटीन्स की अपनी अलग प्रॉब्लम्स होती है. बॉडी एक साथ में एक टाइम पे ज़्यादा प्रोटीन्स नहीं एब्जॉर्ब कर सकती. अदरवाइज बॉडी कॉजेज ग्लूकोनियोजेनेसिस, विच मीन्स के एक्सेस प्रोटीन्स आपकी बॉडी में जाके ग्लूकोज एंड अल्टीमेटली एडिपोज यानी कि फैट के रूप में स्टोर होता है. सो एक साथ में ज़्यादा प्रोटीन्स लेना इज़ नॉट अ वेरी गुड आइडिया. एक साथ ज़्यादा प्रोटीन्स लेने से ना ही वेट उतरेगा और ना ही आपका फैट लॉस होगा. सो इससे अच्छा है कि आप अपने हर मील में प्रोटीन्स को थोड़ा थोड़ा अमाउंट में लीजिए. आप अपने हर मील में, जैसे कि वो लेंटिल्स है, कर्ड है, बटर मिल्क है, पनीर है, मिल्क, फिर चिकन, फिश, मीट एंड एग्स, नट्स, सीड्स, हमस, इनमें से जो आपको पसंद हो वो अपने ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, प्री एंड पोस्ट वर्कआउट मील्स में ऐड कीजिए. प्रोटीन रिक्वायरमेंट आपकी एक्टिविटी लेवल के हिसाब से डिसाइड किया जाता है. इसलिए ये कोई जनरल स्टेटमेंट नहीं है कि हाई प्रोटीन्स मींस मोर मसल्स. सो प्लीज़ डोंट गो फॉर सच फैट डाइट्स, अदरवाइज यू विल बी ट्रैप्ड अंडर अदर क्लिनिकल कॉम्प्लिकेशंस. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ प्रोटीन्स इज एग्जैक्टली ब्रोकन डाउन, एब्जॉर्ब्ड एंड एसिमिलेटेड इन द बॉडी. जब हम प्रोटीन्स खाते हैं तो वो हमारे स्टमक में जाके HCL यानी कि स्टमक एसिड और प्रोटीसेस नाम के एक एंजाइम की हेल्प से अमाइनो एसिड्स में ब्रेक डाउन होता है. अब मैं बहुत टेक्निकल टर्म्स में आप लोगों को नहीं समझाना चाहती, बट प्रोटीन्स हमारी बॉडी में जाके अमाइनो एसिड्स में ब्रेक डाउन होता है. स्टमक में से वो मूव होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में से हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर होता है. ब्लड स्ट्रीम में एंटर होने के बाद अमाइनो एसिड्स हमारे हर एक सेल तक पहुंचता है एंड इस तरह से वो हमें मसल बिल्डिंग, रिकवरी, ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए काम आता है. ऐसा नहीं होता है कि प्रोटीन्स डायरेक्टली जाके मसल्स बनाता है, बल्कि वो पहले अमाइनो एसिड्स में ब्रेक डाउन होगा एंड वहाँ से आपको मसल बिल्डिंग एंड सब चीज़ों के लिए हेल्प करेगा. इट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू अमाइनो एसिड्स. इट कैन नेवर बी एब्जॉर्ब डायरेक्टली एज प्रोटीन्स. सो गाइज, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था कि प्रोटीन्स हमारी बॉडी में क्या करता है, कैसे एब्जॉर्ब होता है, हाई प्रोटीन्स लेने से क्या होता है एंड द फिजियोलॉजी ऑफ प्रोटीन्स इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी अंडरस्टैंड. सो गाइज, नेक्स्ट वीक आई शैल डिस्कस अ वेरी बिग मिथ दैट वेजिटेरियंस आर डेफिशिएंट इन प्रोटीन एंड द फैक्ट्स अबाउट द सेम. सो अंटिल नेक्स्ट वीक, ईट स्मार्ट एंड बी स्मार्ट, बिकॉज बींग न्यूट्री स्मार्ट इज द न्यू आर्ट.